जिंदी भाई, जिंदी जो जिंदी हमारे भाई की लड़की है, मेरे से वो बड़ा है, कम से कम 2-4 साल बड़ा है। मैं हम गया SHO के साहब, मुझे उसने फ़ोन किया भाई ने, अरे मेरी लड़की दिन दोपहर यहाँ से 12 बजे, कोई लोडे तीन आए थे, एक का नाम नज़ीरेमन, दूसरे का नाम बिल्ला, उसके दो नाम है, एक बिल्ला नाम है और उसका एक असलम ये फिर फरदोस नाम है। एक वहाँ का लड़का, उसका नाम बालिया है, वो मिस्री का लड़का है। जब उसने बोला वहाँ से, वो लड़की लेकर चली गई, दो, एक उसकी दो, एक छोटी बहन थी एक बड़ी बहन थी। छोटी बहन है जो, वो यहाँ पर खड़ी है सामने, वो रो रही थी। जब वो रो रही थी तो उसने, जो बिल्ला था उसने उस लड़की को बंद किया, लड़की लेकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाई लेकर चले गए। वो ये लड़की है सर, कौन ये लड़की है। दूसरी जो लड़की थी उसको हेड की प्रॉब्लम थी, जब जिसको हेड का प्रॉब्लम था वो चल नहीं सकती थी, वो भी उठी गई, उसने धक्का मारा, जो बिल्ला नाम है जिसका, बिल्ला खासकर बिल्ला, उसने धक्का मारा, बस लड़की को बैठाया गाड़ी पर लेके चले गए। फिर सुबह आए, हमारे भाई फ़ोन करने लगा, ये गरीब, इसके पास पैसा साधन कुछ था नहीं। जब ये सुबह वहाँ पर आया, मुझे बोलने का, मैं गया SHO के पास, SHO बोलने का आप कंप्लेन, हम गुलोटा SHO के पास गए, SHO के पास गए, वहाँ पर पेश हुए, आखिर भाई बताओ क्या बात है। हमने बोला सर ऐसे ऐसे हमारी लड़की ये निकल गई है, यो वो लड़की है हमारे, सर ये किस दिन की बात है जब आपकी लड़की ये निकली? 20 तारीख की बात है बीस जी मेरे, 20 जनवरी या 20 दिसंबर, कौन सी डेट? ये मैडम जी हम अनपढ़ हैं, हम इस महीने की 20 तारीख की बात कर रहे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम बीस इस जनवरी 20 तारीख की बात कर रहे हैं। अच्छा जिसमें क्या SHO का था, बोलने लगा मैं आपका पर्चा लगाऊंगा, मुंह जबानी भी लग सकता है। हमने बोला ठीक, विश्वास खाया। दूसरे दिन हम आए वहाँ से, उसने 4 पुलिस वाले भेजे, कहाँ भेजे, जिजर कोटली में 4 के। हमको बोलने लगे आप भैया ये काम करो, आप ये जो मुर्दों में ये भाग लेंगे, आप गाड़ी में छुप कर लो, ये अल्लाह के सामने सच्चाई बात है। हम बैठ के, हमको क्या पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वहाँ से बोलने लगा हमको कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हम इनको अरेस्ट कर नहीं सकते। हमने बोला ठीक है भाई, नहीं कर सकते तो आपकी मर्जी है। आए SHO के पास, SHO बोलना भाई आपका एक रास्ता, उन्होंने भी कोर्ट का ऑर्डर लाया, आप भी जाओ कोर्ट में, उसका जो कोर्ट में जाएंगे हम ये चलेगी, यहाँ ये सामने दिखाई दे रही, ये कोर्ट में कोर्ट का ऑर्डर आया। उसने बोला ये छोटा जज का है, ये इसकी में कार्रवाई पर्चा काट सकता नहीं। परसों अगले दिन बुलाया 3 आदमी, एक को उसका बाप लाया, वो बोला कि आप ये कागज़ का मुझे प्रूफ दे दो। उन्होंने प्रूफ क्या किया, प्राइवेट डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लगाया, प्राइवेट डॉक्टर से। उसने बार बार जो पुलिस वाले, उन्होंने बोला भाई उसको बोला आप फंस जाएंगे, मात ऐसे नहीं करो। SHO बोलने लगा नहीं ये आप क्या बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। उनको वहां से चाय पिलाई तो बैठाया, रवाना कर दिया, चुप हो गया। की उम्र कितनी है? उम्र इसकी सर 15 साल कुछ 4 महीने है, 4 महीने, 15 साल कुछ 4 महीने है। अच्छा फिर जिसको हमें SHO के पास गए, कल कल लड़की उसने वहां से मंगवाई, दिन दोपहर को हमको बैठाया, हम कम से कम 40 आदमी थे, हमारा अलमरदार हाजी मियाँ साहब वो भी वहीं था, ये इसमें कोई झूठ की नहीं। दिन भर बैठे रहे, शाम को बोलने लगा मैंने वो लड़की बोर्ड पे भेज दी है। क्या बोलने लगे, हमने बोर्ड में भेज दी है, हमने इसके टेस्ट करा रहे हैं, हम देखेंगे। उनको गाड़ी बिठाया, बाहर रवाना किया, जैसे इज्जत से मुड़ के वापस किया, लड़की को भी इसके साथ भेज दिया। हाँ लड़की बिल्कुल, उसमें कोई झूठ नहीं है। हम ये जनाब एक राष्ट्रपति से, SSSC से, DIG से ये गुजारिश कर रहे हैं, अरे ये अंधी हो अंधेरा है, ये अंधी अंधेरा है, ये अंधेरे में मत रहो, किसी की बच्ची है सबकी बच्ची वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था आपका, क्यों आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? सर हमको किस लिया है, मजबूर गिरे हैं, किसी ने दादा तुम्हारी नहीं की है। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने की, मैं SSP के पास भी गए, SP के पास भी गए, हर जगह पहुंचे। हाँ एक शख्स ने हमारी, श्याम लाल शर्मा BJP का, उसने मदद की, इसने बोला भाई ये छोटी लड़की है इसका वोट करवा दे। SSP को बोलूंगा सब वोट तेरे पर पड़ेगा मत कर, ये उसने सामने बात बोली है, मैं आज भी बोल रहा हूँ। SSP के पास गया, वहाँ SO था पहले, मैडम थी, दूसरा तेरा लड़का था, हम उसके पास, हमने बोला ये, उसने बोला अब साहब यहाँ नहीं है अब जाओ, हमने SHO से बात की है। तो हम आज कितने दिन हो गए सर रो रहे, हमारी सुनाई कुछ नहीं है, हम इसलिए क्या अपील कर रहे हैं, अपील हम ये पुलिस के बड़े अधिकारी देख रहे हैं तो क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये पुलिस वाले जिले अधिकारी देते हैं, मैं उनको मुबारक देते, हमारी बच्ची है ये, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमारा ये इंसाफ। ये दोनों दोनों जो आए SHO है, और मैं मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, जहां के यहां का ये जो कार्यक्रम थी, कोर्ट के ऑर्डर कैसे है? ये कोर्ट कार्ड है, इसमें ये कोर्ट कार्ड है। वो कौन सा जगह हम जहाँ घूमे नहीं है, आज हम रो कर फिर आप ये, आप अपने जहाँ के गवर्नमेंट, J&K की गवर्नमेंट, हमारे जनाब मोदी प्रधानमंत्री से,
राष्ट्रपति से, हम अपील कर रहे, हम रो रहे, हमारी सुनाई कोई नहीं है, हम गरीब आदमी है, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम सच्ची बता रहे, ये हमारे साथ जुल्म है, बेइंसाफी है, वो पैसे वाले, वो गुंडे करते हैं, हम ये सीधे बोल रहे हैं। बहुत बड़ा जुल्म हो गया जनाब, पूरा था ऐसा कर देता, हम रोते नहीं चलेगी हमारे सामने एक दिन वो पुलिस वाला के जब उठा जाता था फिर तब भी बोला तसली आ जाती सर, ये हमारे साथ बेइंसाफी है, इसलिए हम कांग्रेस, आप कांग्रेस वालों को मुबारक, ये हमारी माँ बात आगे आप, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपको एसएचओ ने बोला था कि ये छोटे जज जो हैं उनका लिखा हुआ है, क्या उसके बाद आप दूसरे जज के पास गए? हाँ सर गए, कल हमने जज साहब ने कल क्रैश की है, उसने 15 तारीख को यहाँ बुलाए हैं, हम मैं कोर्ट को मुबारक देता हूँ, हमारे साथ पूरा साथ है कोर्ट का, उसमें उनकी कोई किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, बड़े अफसरों पुलिस ने आपका साथ दिया, पुलिस साथ ही कर ली, बस खाली पुलिस घोटे वाली साथ ही थे, जो माँ बाप बच्चे को पालता जवान करता, अब उसको अगर कोई नहीं दिखाएगा कितना दुख होता है, सामने सामने छीनकर पुलिस उनको दे रही है। देखो सर एक बात हो रही है, पहले कोर्ट में निकाह है इस बच्ची का, हम मानते हैं जज साहब की कोर्ट में निकाह है, फिर भी उसमें कानूनी जुर्म है ना, वो भी तो जुर्म, वो भी तो थोड़ा अटक लग सकता ना, अटक तो लगता है, उसमें भी तो पूछ प्रतीब होती है ना, वैसे कैसे निकाह गया, बाप के तो कैसे आई है, ये तो गुंडा करती है दिन दोबारा, हर एक की बच्ची है, हर एक बच्ची उठाती रहेगी कोर्ट में निकाह पड़ती रहेगी, हर हिंदू और मुस्लिम हो, ये तो सबकी इज्जत लूटी जाएगी सर, ये भी तो बात है, कभी पूरी हम लड़कियों के ऊपर बात नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं, उसकी शादी की गई है लड़की के साथ जी, क्या कहना चाहते, शादी हुई है, हमको लड़की हमारी बाबा चाहिए, हमको इस चीज का पता नहीं शादी हुई क्या नहीं हुई, वो बोलते हमने कोर्ट का निकाह किया, इस चीज का हमको पता नहीं।